फोन है और नोकिया के फोन में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है और आपको कैसे डायग्नोज करना है। तो ये हमारे पास डेड आया है और मल्टीमीटर को मैं डायोड रेंज पे रखता हूँ और सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे मैं इसकी कंडीशन चेक करूंगा कि इसमें इस समय क्या कंडीशन है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई सा फोन हमारे पास जब रिपेयर होने आता है और जब वो डेड होता है तो बैटरी कनेक्टर पे हमें चार कंडीशन में से एक कंडीशन मिलेगी, ओके कंडीशन, शॉर्टिंग कंडीशन, लीकेज कंडीशन और ओपन कंडीशन। तो आज हम जानेंगे इसमें कौन सी कंडीशन है। मल्टीमीटर को मैं डायोड रेंज पे रखता हूँ और अब आप इसमें फोकस करके दिखाएं कि क्या कंडीशन आ रही है। जब मैं बैटरी कनेक्टर पे रखता हूँ तो आप देखेंगे मल्टीमीटर में 0.03 वैल्यू आ रही है और जब मैं तार को पलटता हूँ तो यहाँ पे बोथ साइड सेम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है इसमें लीकेज कंडीशन है, क्योंकि ओके कंडीशन में इसमें एक तरफ वैल्यू और एक तरफ नहीं आनी चाहिए थी वैल्यू, और शॉर्टिंग कंडीशन में बीप आना चाहिए था और ओपन कंडीशन में कुछ भी नहीं होना चाहिए था। पर यहाँ पे दोनों साइड से आप देखेंगे इम्पीडेंस बहुत कम है, यानी कि ये लीकेज कंडीशन में है। और अब मैं इसको खोलूंगा और इस मदरबोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा आईसी तो नहीं लगी है, क्योंकि कंपनी ने आईसीओ को अब इनबिल्ड करना शुरू कर दिया है। और जब मैं इसको खोलूंगा तो डिस्प्ले को रिलीज करने के बाद मदरबोर्ड बाहर निकाल लूंगा और यहाँ पे कीपैड का भी जो पत्ता है उसको भी मैं रिलीज कर लूंगा। और अब मैं यहाँ पे अपने पास से एक बार डीसी सप्लाई दे के देखूंगा कि क्या होता है। और आप देखेंगे मैंने डीसी सप्लाई में 4.2 4.6 कर रखा है, मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। 4.2 वोल्टेज यानी कि जितनी बैटरी की वोल्टेज होती है वो मैं अब इसको इंजेक्ट करके देखूंगा। तो देखेंगे जब भी मैं नोकिया के फोन को या हम नोकिया के फोन को ऑन करते हैं तो नेगेटिव के साथ बीएसआई पिन को जोड़ना जरूरी होता है, तभी हमारा मोबाइल ऑन होता है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे जब पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव दे रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी वाइब्रेटर मोटर चल रही है। देख सकते हैं यहाँ पे वाइब्रेटर मोटर चल रही है विदाउट पावर प्रेसिंग बटन। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो इसका पावर आईसी है वो खराब है, शॉर्ट है। और आप देखेंगे इम्पीडेंस मशीन मेरी कितनी ले रही है, 1.0.111 एम्पियर ले रही है। तो इसका मतलब है इसमें जो आईसी है वो ख़राब है। और यहाँ पे अब मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फ्लैश आईसी है और ये विन बॉन्ड में है, और जो इसकी ये पावर आईसी सीपीयू का काम कर रही है, नेटवर्क का काम कर रही है और ऑडियो का काम कर रही है, ये सारे इनबिल्ड केवल एक ही आईसी में हमारा मेमोरी कार्ड, कैमरा, सब कुछ इसी से ऑपरेट हो रहा है। जबकि यहाँ पे जो लगा है पीए लगा है, पीए मतलब पावर एम्पलीफायर। पहले कंपनी ने मैं आपको पहले के जो 3310 का फोन मॉडल था उसको दिखाऊंगा और इसमें कितना चेंजेस कर रहा है। आप देखेंगे इस फोन में केवल तीन आईसियाँ लगाई हैं और जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसका ऑसिलेटर क्रिस्टल है और यहाँ पे जो माइक है सोल्ड कर दिया गया है। तो मैं पहले के फ़ोन में दिखाऊँ आपको, आप देख सकते हैं नोकिया 3310 का फ़ोन है ये। और इस फ़ोन के अंदर आप देख सकते हैं पहले पीएफओ लगा हुआ था, एंटीना स्विच लगा हुआ था, बीपीएफ यानी कि बैंड पास फिल्टर लगे हुए थे और यहाँ पे वीसीओ लगा हुआ था। ये हमारा नेटवर्क आईसी था जिसे आरएफ आईसी भी कहते थे, आरएफ मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी, और ये हमारा ऑसिलेटर क्रिस्टल। ऑसिलेटर क्रिस्टल क्या होता था, नेटवर्क आईसी और हमारे सीपीयू के लिए फ्रिक्वेंसी जनरेट करता था। और ये जो लगी है ये हमारी ऑडियो आईसी है या पावर आईसी है। जस्ट पावर आईसी के बगल में एक आरटीसी लगा होता था और ये सीपीयू है हमारा, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। जो आप ये देख रहे हैं हमारी चार्जिंग आईसी, यहाँ पे फ्लैश और रैम, और ये हमारी इंटरफेस आईसी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मोबाइल के अंदर कंपनी ने तीन आईसी लगाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, ऑडियो आईसी नहीं है, सब कुछ इसके अंदर है। तो मैं दिखाना चाहूँगा कि कंपनी ने कैसे सबको मर्ज कर दिया है। तो आप देखेंगे जो ये वाली और ये देख रहे हैं फ्लैश और रैम, इसको मिक्स करके कंपनी ने यहाँ पे एक आईसी दे दी है, ये हमारी फ्लैश आईसी। इसी तरीके से ये जो हमारे अब नए फ़ोन आ रहे हैं एंड्रॉयड या जितने हमारे 3G 4G 5G फोन है उनमें इस आईसी को अब EMMC बोला जाता है, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि साइज अब जो फोन में आ रहा है वो कुछ इस तरीके का, जो हमारी EMMC होती है कुछ इस साइज में होती है, थोड़ी सी आयताकार में, और जबकि सीपीयू हमारा चकोर होता है बिल्कुल, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप देखिए ये पावर आईसी, ऑडियो आईसी, चार्जिंग आईसी, इंटरफेस आईसी और साथ में ये नेटवर्क आईसी सब इनबिल्ड कर दिया हमारे सीपीयू के अंदर, जो कि हमारा ये लगा हुआ है, देख सकते हैं सीपीयू। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा जो पहले कंपनी ने एंटीना स्विच और पीएफओ था उसको मर्ज करके सिर्फ एक एंटीना स्विच यानी कि पीए बना दिया है, ये हमारा पीए है। और अभी मैं क्या करूंगा यहाँ पे इस सीपीयू को निकालने वाला हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंडीशन लीकेज मिल रही है और वाइब्रेटर मेरा मूव हो रहा है सप्लाई देते ही। देखेंगे दोबारा से आप साउंड सुन रहे होंगे वाइब्रेटर मोटर की। तो यहाँ पे मैं इसको अब निकालने वाला हूँ, दोबारा से मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कितनी इम्पीडेंस आ रही है। डायोड पोजीशन पे मैंने मल्टीमीटर को रखा हुआ है और जब मैं लगाता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे बहुत कम इम्पीडेंस आ रहा है, यानी कि 0.031 इम्पीडेंस आ रहा है बोथ साइड, दोनों साइड से। तो अब मैं इसको
पीसीबी स्टैंड पे रख के इसकी जो सीपीयू है उसको निकालूंगा। ये पीसीबी स्टैंड में मैं इसको लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लेक्स ला। अच्छा, जब भी हम आईसी को निकालते हैं तो इसके आईसी का गाइड पॉइंट जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे नए आईसी को लगाएंगे तो ये गाइड पॉइंट अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं लगा पाएंगे इस आईसी को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे गाइड पॉइंट दिख रहा है, मैं लेंस पे भी देख लेता हूँ एक बार। तो आईसी का गाइड पॉइंट यही है और मैं आपको इस आईसी का जो नंबर है बता देता हूँ, ये मीडियाटेक की लगी है MT6260CA। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लक्स लगाऊंगा और इस आईसी को मैं यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। रिमूव करने के बाद मैं दिखाऊंगा कि इसमें जो कंडीशन थी वो क्या रही है। आप जब SMD का इस्तेमाल करें तो 90 डिग्री पे आप इसको यूज़ करें SMD को, और आप देखेंगे यहाँ पे फ्लक्स जो है हमारा पिघल के आईसी के बॉटम में चला गया है। और आईसी को निकालने के लिए आप देखेंगे मैं हल्का सा आईसी को पुश करूँगा और ये देखूँगा कि क्या मेरी आईसी मेल्ट हो गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं हल्का सा पुश कर रहा हूँ, अभी ये मेल्ट नहीं हुई है। और हल्का हल्का राउंड राउंड आप SMD को घुमाएं और जैसी आईसी हल्के से पुश करने पे हिलेगी तो मैं इसको ऊपर पिक कर लूँगा। तो अभी ये हीट हो रही है, और देखेंगे आईसी मेरी हिल गई है यहाँ से, और अब मैं इसको पिक कर लूँगा। और आईसी पिक करने के बाद, क्योंकि आईसी हमारी बीजी आईसी है, और इस आईसी को मैं रिमूव कर लेता हूँ। और आप देखेंगे आईसी मेरी निकल गई है। निकलने के बाद बैक साइड से मैं दिखाऊंगा आपको आईसी में, क्योंकि ये बीजी आईसी है, बीजी मतलब बॉल ग्रेड एरिया। अब यहाँ पे मैं इस जो हमारे बॉटम में जो शोल्डर रह गए हैं उनको मैं क्लीन करूँगा। क्लीन करने के बाद मैं बैटरी कनेक्टर पर देखूँगा कि क्या कंडीशन आ रही है। तो अभी मैं इसको डिसोल्डिंग वायर से क्लीन करूँगा। तो अब इसको हम क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद इसकी कंडीशन चेक करेंगे कि क्या कंडीशन आ रही है। तो अच्छे से क्लीन करेंगे यहाँ पे, और आप देखेंगे मैंने इसको क्लीन कर दिया। जूम करके आप दिखाएं थोड़ा सा कि हमारी जो पास वाली आईसी है, और देख सकते हैं अच्छे से आप जूम करने के बाद आपको पूरा पैड क्लियर दिख रहा होगा। ये हमारी फॉल्टी आईसी है और यहाँ पे मैंने पैड साफ कर दिया है। और अब मैं इसकी कंडीशन चेक करने वाला हूँ कि बैटरी कनेक्टर पे जो मुझे कंडीशन मिल रही थी पहले, कि क्या वो कंडीशन अभी भी आ रही है या नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इम्पीडेंस हमारा बढ़ गया है, यानी कि 0.409 आ रहा है और दूसरी साइड से नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू अभी भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये ओके कंडीशन में आ गया है। और अभी मैं अगर यहाँ पे नई आईसी रिवॉल्व करके लगाऊंगा तो मेरा काम बन जाएगा। और इस तरीके से हम चिप लेवल पे यहाँ पे रिपेयरिंग सिखाते हैं। और आप देखेंगे थोड़ा सा हमारा जो ऑसिलेटर क्रिस्टल है डिसलोकेटेड हो गया है, और मैं पेस्ट लगा के इसको दोबारा से इसकी लोकेशन पे लाऊंगा। तो बोर्ड बहुत पतला है, और आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा ऑसिलेटर क्रिस्टल है थोड़ा सा अपनी जगह से आउट हो गया है, और मैं इसको इसकी जगह पे ले आता हूँ। आप देखेंगे इसमें ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है आपने, हल्का सा जब ये हीट हो जाएगा तो अपनी जगह पे प्लेस हो जाएगा ये। तो देखेंगे मैं हल्का सा इसको पुश भी कर रहा हूँ तो भी अपनी जगह पर आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये लग गया है, अपनी जगह पर आ गया है। तो इस तरीके से हम 3 महीने में आपको कंप्लीट चिप लेवल की रिपेयरिंग सिखाएंगे। और यहाँ पे आपने देखा था पहले जो आ रहा था इम्पीडेंस 0.03 के आसपास था, 30, और अब यहाँ पे जो इम्पीडेंस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गया। देखेंगे आप 0.31 आ रहा था, पहले आ रहा था 0.031 के आसपास था, लेकिन अब इम्पीडेंस बढ़ गया और दूसरी साइड से इम्पीडेंस 1 पॉइंट में चला गया, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पीडेंस आ गया। तो अब मैं अगर पावर दूंगा तो जो मैं पहले पावर दे रहा था वाइब्रेटर चल रहा था, और अब देखते हैं कि क्या होता है। तो देखेंगे अब जब मैं पावर दे रहा हूँ तो यहाँ पे वाइब्रेटर मोटर वाइब्रेट नहीं कर रही है, इसका मतलब हमारी जो फॉल्टी थी वो ये आईसी थी। और इस आईसी को रिप्लेस करने के बाद डेफिनेट हमारा मोबाइल ओके हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।